कांग्रेस ने एक बार फिर मर्यादा और बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो माफी के लायक भी नहीं। दिल्ली पुलिस द्वारा पवन खेड़ा को हिरासत में ले जाने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली एयरपोर्ट पर खूब हंगामा मचाया। कांग्रेसी नेता नारेबाजी करते हुए एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोलने लगे। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाने लगे। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेसी नेताओं ने कैसे मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। दरअसल कांग्रेस नेताओं का एक ग्रुप इंडिगो के विमान में सवार होकर रायपुर के लिए निकलने वाला था। इसी दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को विमान से उतार दिया गया। विमान से उतारे जाने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने एयरपोर्ट पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाने की तैयारी भी थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की गाड़ी में ले जाए जा रहे पवन खेड़ा ने पत्रकारों से कहा कि ये लंबी लड़ाई है और लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या बात हो गई? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान नहीं है। हैंड आ गया, मैंने नहीं, इस बार आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ पा रही, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब आ जाए। इससे पहले पवन खेड़ा को विमान से उतारे जाने पर मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने आपत्ति जताई और धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए। जब देश के प्रधानमंत्री के लिए कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए जा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत भी मौजूद थी। बीती 20 फरवरी को पवन खेड़ा अडानी मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए नरेंद्र गौतम दास मोदी नाम का प्रयोग किया था। दरअसल पीएम मोदी अपने नाम में अपने पिता दामोदर मोदी का नाम लगाते हैं, इसलिए उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह कई बार नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास। इसी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ बुधवार 22 फरवरी को असम के दीमा हसाए में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मामला दर्ज किया गया। इसके एक दिन बाद ही गुरुवार यानी कि 23 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट से खेड़ा की गिरफ्तारी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पवन खेड़ा के खिलाफ असम के 15 जिलों में 15 केस दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रही राजनीतिक सफलता से कांग्रेसी इस कदर हताश और परेशान हैं कि उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के दिलों में इस कदर बस गए हैं कि उन्हें सियासी मैदान में हराना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन है। ऐसे में कांग्रेसियों की सत्ता में वापसी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा प्रधानमंत्री मोदी हैं। उन्हें लगता है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं हो सकती है। यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के जान के प्यासे हो गए हैं। कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोदी को अपने रास्ते से हटाने के लिए लगातार साजिश करते रहते हैं और लोगों को भी भड़काते रहते हैं।